असलम इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका पहला क्वेश्चन है वो कहता है इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज आर इज इक्वल टू वन माइनस कॉज थीटा डिस्कस द सिमेट्री ऑफ ग्राफ ऑफ़ दिस कर्व अबाउट इनिशियल लाइन ठीक है तो लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर में हमने पढ़ा था कि सिमेट्रीज तीन तरह की होती हैं अबाउट इनिशियल लाइन अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट पोल ठीक है तो सीमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे आर और थीटा है तो आर वैसे ही रहने देंगे थीटा की जगह हम माइनस थीटा पुट करेंगे अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करने से इक्वेशन को कोई फर्क ना पड़े तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ये जो कर्व की इक्वेशन है वो क्या है सीमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है तो हम यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करते हैं आर इज इक्वल टू वन माइनस कॉज थीटा की जगह माइनस थीटा वन माइनस कॉज जो फंक्शन है वो एंगल में माइनस को निकलेक्ट कर देता है ठीक है तो ये कॉज माइनस थीटा जो है ये कॉज थीटा ही आ जाएगा अब देखें हमने माइनस थीटा पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई जो कि ओरिजिनल इक्वेशन के सेम है ठीक है माइनस थीटा पुट करने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है कर्व की वो क्या अबाउट इनिशियल लाइन इसी तरह अगर चेक करना हो कि आप बताएं कि ये सीमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं तो हम क्या करेंगे थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे अगर रिप्लेस करने से इक्वेशन को कोई फर्क ना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि वो सीमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है वो कहता है इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट इज आर स्केर इज इक्वल टू ए स्केर कॉज टू थीटा डिस्कस द सिमेट्री ऑफ ग्राफ ऑफ दिस कर्व अबाउट वाई एक्सिस ठीक है तो हमने वाई एक्सिस के अबाउट चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट कर देंगे या थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केर कॉज टू थीटा की जगह पाई माइनस थीटा ए स्केर कॉज टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा टू पाई माइनस टू थीटा ए स्केर साइड पे रहेगा अब इस पर हम फार्मूला लगाएंगे कॉज टू पाई माइनस टू थीटा पे इसका फार्मूला ये वाला लगाना है कॉज अल्फा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा है और ये बीटा है तो क्या आएगा कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा एज वैसे ही आ गया अब कॉज टू पाई किसके बराबर होता है वन के कॉज टू थीटा वैसे ही आ गया प्लस साइन टू पाई जीरो के बराबर होता है साइन टू थीटा वैसे ही आ गया ए स्केयर कॉज टू थीटा वन से मल्टीप्लाई होके आ गया कोज टू थीटा साइन टू थीटा जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा जीरो ठीक है इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा ए स्केयर कॉज टू थीटा विच इज इक्वल टू आर स्केयर अब देखें थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है जो कि ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर है ठीक है इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं हुई ठीक है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी ये जो कर्व है वो क्या है सीट्रिक अबाउट वाई एक्सिस क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज आर इज इक्वल टू एट साइन टू थीटा डिस ऑफ दिस कर्व अबाउट वाई एक्सिस तो इस पे भी हम क्या करेंगे ये भी क्वेश्चन नंबर टू की तरह सिमिलर है लेकिन हमारे पास इक्वेशन जो है वो कर्व की यहाँ डिफरेंट है तो हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे आरस केयर इज इक्वल टू एट साइन थीटा की जगह पाई माइनस थीटा एट साइन टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा टू पाई माइनस टू थीटा अब साइन इस पे फार्मूला हमारे पास लगेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ठीक है तो लेट कर लें हमारे पास यहाँ पे ये यह अल्फ़ा है और ये बीटा है तुम्हारे तो पास फार्मूला आएगा साइन अल्फा कोज बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा ठीक है एट वैसे ही आ गया साइन टू पाई किसके बराबर होता है जीरो मल्टीप्लाई होगा कोज टू थीटा से माइनस कोज टू पाई किसके बराबर होता है वन साइन टू थीटा वैसे ही आ गया एट वैसे ही अब जीरो को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जीरो माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया साइन टू थीटा एट इंटू जीरो माइनस साइन टू थीठा माइनस साइन टू थीठा आ गया तो ये आ गया माइनस को बाहर निकाल दें माइनस एट साइन टू थीठा विच इज इक्वल टू आरस की अब देखें हमने थीटा की जगह पाई माइनस थीठा पुट किया ठीक है तो हमारे पास ये इक्वेशन आई ठीक है जबकि ओरिजिनल इक्वेशन ये थी अभी इसमें साइन जो है वो इजाफी आ गया माइनस का ठीक है तो ये इक्वेशन सेम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो कर्व की इक्वेशन है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट समीट्रिक अबाउट वाई एक्सिस यानी कि ये जो हमारी कर् की क्वेश्चन है वो सीमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर की उम्मीद आप सबको समझ आ गए होंगे फिर भी अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं